नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मौजूदा दौर में इन लाइनों को अपने जीवन में उतार लेने वाले बहुत कम लोग हैं। भोपाल के लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल ऐसे शख्स हैं जो दोनों धर्मों को अपनाते हुए 50 साल से रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और नवरात्र में देवी आराधना भी करते हैं। खंडेलवाल आपसी प्रेम और भाईचारे को ही अपना धर्म और मानवता को सबसे बड़ी जाति मानते हैं। लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल वैष्णो देवी और अजमेर शरीफ की पैदल यात्राएं भी कर चुके हैं। पतंग कारोबारी लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हैं। लक्ष्मी नारायण भले ही वैश्य हैं, लेकिन बीते 50 सालों से भी रमजान में लगातार रोजे रखते आ रहे हैं। यही नहीं, वे रोजे के साथ हर रोज 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसी पंक्ति को बरकरार रखा है लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल जी ने, जो कि पिछले 50 सालों से रोजा रख रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका ये रोजे रखने का सफर कहाँ से शुरू हुआ। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है, बताइए कहाँ से चालू हुआ आपका ये सफर। मैं लक्ष्मी नारायण खंडेलवाल जी, ये सफर अजमेर से चालू हुआ है। ख्वाजा साहब मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझे आदेश दिया तो मैं अजमेर भोपाल से अजमेर पैदल गया। कब गए थे आप अजमेर तक पैदल? 1985 में गया था, पहला सफ़र 1985 में करा, 18 दिन में तय करा मैंने। इसके बाद 92 में भोपाल से वैष्णो देवी तक पैदल गया, उसके बाद 92 के अंदर आगरा अमलखेड़ा पैदल गया, देवा चामुंडा देवी पैदल गया और रायसेन दो बार पैदल गया, श्यामपुर दुराय पैदल गया। काफ़ी यात्राएं करी आपने पैदल, लेकिन ये कहाँ से आपको मन में आया कि जब से आप कंटिन्यू रोजा भी रखते हैं और पूरे रोजे रखते हैं? ये मालिक ने प्रेरणा दी मेरे को, तो इसलिए मैं करता हूँ ये सब काम। नवरात्रि का व्रत भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ मैं साथ में। कभी किसी ने इस पे ऐतराज नहीं किया, घर परिवार या किसी और ने? नहीं नहीं, न घर परिवार वालों ने, न रिश्तेदार वालों ने, किसी ने कोई ऐतराज कभी नहीं करा। आज माहौल चल रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, ऐसे में आप कैसे क्या कहेंगे? बस यही चाहते कि हिंदू मुस्लिम भाई सभी धर्म के लोग भाईचारा एकता बनाए रखें, कायम रखें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, बस यही गुजारिश है हाथ जोड़ के। आपने काफ़ी सारी पतंगें पहन रखी हैं, चरखी पहन रखी है, ये कैसा शौक़ है? ये मेरे बचपने का ही शौक़ है पतंग उड़ाने का, अब पतंग उड़ाते उड़ाते मेरा व्यवसाय भी बन गया है ये। ये व्यवसाय कब से कर रहे हैं? इसमें 45 साल हो गए, पहले घर से ही करता था, मैंने दुकान लगा ली। आपने इतनी सारी पतंगें, आपका जो रिंगटोन है वो भी पतंग, तो क्या कुछ रुझान है पतंग की तरफ? पतंग का क्या है, दिन पे दिन शौक बढ़ते जा रहा है और हर साल क्या है टूर्नामेंट भी होते हैं पतंगों के, उसमें भी मैं भाग लेता हूँ, हर बाहर भी जाता हूँ लड़ाने के लिए, रामपुर लखनऊ मुरादाबाद दिल्ली कलकत्ता, ये सब जगह मैं पतंग लड़ाने भी जाता हूँ। क्या क्या जी, नाखूनों में भी पतंग पहन के रखी आपने जी, तो आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? शौक है मेरा ये शौक है, पहले मैं चांदी के बनवाता, अब सोने के, मालिक की मेहरबानी सोने के बनवाने लगा हूँ। अमन चैन के लिए क्या, भाईचारे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस भाईचारा बनाए रखें, कायम रखें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, किसी की बातों में आए ना, बस यही गुजारिश करते हैं। तो आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? शौक है मेरा ये शौक है, पहले मैं चांदी के बनवाता, अब सोने के, मालिक की मेहरबानी सोने के बनवाने लगा हूँ। अमन चैन के लिए क्या, भाईचारे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस भाईचारा बनाए रखें, कायम रखें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, किसी की बातों में आए ना, बस यही गुजारिश करते हैं हम। तो लक्ष्मी नारायण जी का कहना है कि भाईचारा बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और शौकीन है बहुत पतंग के भी, और जो आप देख रहे हैं इनकी पूरी पूरी जो दुकान है उसमें पतंग ही है, और उन्होंने भी गोल्ड काफ़ी पहन रखा है, उसमें भी पतंग है, और पद यात्रा इन्होंने कई कर रखी है। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती भोपाल। भोपाल से खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.